गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अल्टीमेट क्लासेस में। आज जो आप डायग्राम बोर्ड पर देख रहे हैं उसको आप देखिएगा कि एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाया हुआ है और उसके तीन दृश्य भी उसके सामने बनाए हुए हैं, जिसमें एक फ्रंट व्यू है, दूसरा साइड व्यू, तीसरा टॉप व्यू है, प्लान है। पहले तो आप ये देखिएगा कि इसमें से फ्रंट कौन सा होगा। जब आप इस ऑब्जेक्ट को सामने से देखने का प्रयास करेंगे आपको ये टेपर पोर्शन दिखाई देगा, बी पोर्शन, एक ये भाग दिखेगा, दूसरा ये भाग दिखेगा फ्रंट में, और एक ये जो एल टाइप शेप दिखाई दे रही है ये दिखेगा। तो ऐसा जो प्रोजेक्शन अपने को देख रहे हैं वो हमारे पास ये है, ये इस ऑब्जेक्ट का कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। उसके बाद में जब अपने बात करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड से अपने को ये त्रिभुजाकार आकृति दिखाई दे रही है। उसके बाद में ये जो जी लिखा हुआ है, ये पूरी ये जो समलंब चतुर्भुज के आकार का भाग, उसके बाद में बिल्कुल सामने ई का जो भाग है, ये सब तीन चीज़ें, एक दो और ये तीन भाग दिखाई दे रहे हैं, और इसका जो सही साइड व्यू होगा वो ये है। देखिए किस प्रकार है कि ये अपने को त्रिभुजाकार जो शेप दिखाई दे रही है, ये त्रिभुजाकार शेप देखिए इसके अंदर ये यहाँ दिखाई दे रही है अपने को। उसके बाद में जो सामने का ये जो भाग है जी वाला प्रोपोर्शन, जो आपको समलंब चतुर्भुज के आकार का ऐसा दिख रहा है पट्टी दिखाई दे रही है, ये यहाँ दिखाई देगी। जस्ट सामने जो ई टाइप है और ये त्रिभुजाकार जो आकृति है, ये त्रिभुजाकार आकृति यहाँ पर किस नंबर से है, तीन नंबर से है। इस प्रकार आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया होगा और उसमें आपको उसके तीन व्यू दिए गए होंगे, और उन तीन व्यू में से अगर आपको पूछा जाएगा तो कोई एक भाग पूछा जाएगा। इस प्रकार एक बड़ी टेबल नहीं दी जाएगी, केवल एक ही अंक पूछा जाएगा। कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि चार, अक्सर चार जो है फ्रंट के अंदर बताइए किस अक्सर से। जैसे मान लीजिए पहले तो आपको ये देखना होगा कि फ्रंट से देखने पर क्या दिख रहा है, बी। बी को फ्रंट व्यू में किस अक्सर से लिखा हुआ है, जैसे ये बी वाला तल देखिए फ्रंट व्यू में कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बी वाली ये जो टेपर भाग है फ्रंट व्यू में इसकी ड्राइंग है, ये भाग फ्रंट में भी दिखेगा और ये भाग आपको टॉप में भी दिखेगा, तो टॉप व्यू में इसका नाम है आठ नंबर। इसी बी का नाम फ्रंट में देखेंगे तो क्या दिखेगा, फ्रंट में अगर अपने देखेंगे तो फ्रंट व्यू में ये देखिए इसके इक्विवेलेंट है, ये जो पट्टी देख रहे हैं आप फ्रंट व्यू में, ये आपको पट्टी यहाँ दिखाई देगी, कितना दिख रखा है इसमें, सात दे रखा है। यानी फ्रंट व्यू में बी का जो नाम है वो किस अक्षर से लिखा हुआ है, सात नंबर से। इस प्रकार आपको आंसर देना होगा किसी एक का। अगर मैं पूछूं कि फ्रंट व्यू में एफ को किस अक्षर से लिखा गया है, तो पहले आप एक ये इतना भाग ढूंढिए कहाँ है, ये फ्रंट में ये कहाँ दिखेगा आपको, फ्रंट व्यू में ये भाग दिखेगा यहाँ पर, किस अक्षर से लिखा हुआ है, दस नंबर से लिखा हुआ है फ्रंट व्यू में एफ। तो ये रहा फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में एफ किस अक्षर से लिखा हुआ है, दस नंबर से लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद मैं कहूँ कि फ्रंट व्यू में डी को किस अक्षर से लिखा हुआ है, तो डी ये जो आकृति देख रहे हैं ये वाला है फ्रंट व्यू में, तो फ्रंट व्यू में डी किस अक्षर से लिखा हुआ है, चार नंबर से। तो ये रहा फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में डी किस अक्षर से लिखा हुआ है, चार नंबर से, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार आप इस टेबल को पूरा भर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि फ्रंट व्यू में ए की बात करूँ, अगर आपको फ्रंट से देखने पर पहले ये देखो कि ए दिखेगा क्या, ये बी दिखेगा, एफ दिखेगा, डी दिखेगा, ये तो साइड वाली दीवार पे है ना, ये तो फ्रंट से देखने पर तो दिखाई नहीं देगा आपको, फ्रंट से नहीं दिखेगा। लेकिन ये ए जिस आकृति के अंदर बंद किया गया है उसमें से कोई एक लाइन तो दिखेगी आपको। अगर आप सामने से देखेंगे क्या आपको ये लाइन दिखेगी, क्या आपको ये लाइन दिखेगी, या ये लाइन दिखेगी, स्वाभाविक सी बात है ये टेपर भाग है, टेपर भाग का ये किनारा हमें फ्रंट व्यू की तरफ से दिखेगा। अब ये किनारा जहां दिखेगा ना, वो किनारा फ्रंट व्यू में किस अक्षर से है देखिए, यानी मेरी तरफ वाला किनारा है, ये वाला किनारा है, ये किनारा मैच कर सकते हैं अगर आप इस चीज को, तो देखिए ये कितने नंबर से लिखा हुआ है, 18 नंबर से। फ्रंट व्यू में ए का मान जो होगा ना वो होगा 18 नंबर, क्योंकि ए तो दिखेगा नहीं फ्रंट व्यू में, फ्रंट से देखने पर बाकी सब अक्षर दिखेंगे, लेकिन कौन सा अक्षर नहीं दिखेगा, ए नहीं दिखेगा, सी नहीं दिखेगा, ई भी नहीं दिखेगा आपको, और ये जी भी नहीं दिखेगा, केवल एक दो ये तीन अक्षर दिखेंगे फ्रंट से आपको। ये तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसकी कोई एक लाइन होगी जो आपको अवश्य दिखाई देगी। ये कितनी लाइनों में बंद है, एक दो तीन, तीन लाइनों में बंद है। इन तीनों में से कौन सी लाइन आपको फ्रंट से देखने पर दिखेगी, वो है ये वाली लाइन। ये लाइन फ्रंट व्यू में किस अक्षर से डिनोट की गई है, 18 से, तो आप यहां क्या भर देंगे इसमें, 18 भर देंगे। अब अगर बात करें सी की, तो क्या आपको फ्रंट से देखने पर सी दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, क्योंकि सी तो टॉप व्यू में लिखा हुआ है, फ्रंट से दिखेगा नहीं। लेकिन ये जो सी जिस आकृति में बंद है इसकी कोई ना कोई लाइन तो दिखेगी आपको, या तो ये लाइन दिख सकती है, ये लाइन दिख सकती है, ये तो पीछे की रहेगी, दिखेगी नहीं। अब पहले फ्रंट व्यू में जाइए, फ्रंट है हमारा ये वाली भाग तो कहाँ आ गया, ये रहा, ये वाला भाग कहाँ आ गया, ये वाला भाग रहा अपने पास ये,
तो इस प्रकार अगर आपको सी की लाइन पूछ रहे हैं, वो किसकी लाइन पूछ रहे हैं, सी की, तो सी के लिए आपका ये लाइन जो है ये इतना इतना ये पूरा लाइन इसके लिए हो जाएगा। ये लाइन आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ दिख रहा है, ये कौन सा लाइन है, ये 11 नंबर। तो यहाँ भरेंगे सी के लिए क्या, हम 11 फिलअप करेंगे। इसी प्रकार अगर आपसे ई के बारे में पूछा जाए, तो फ्रंट से देखने पर क्या आपको ई दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा। ई तो कब दिखेगा, जब आप साइड से देखेंगे, तो कोई लाइन तो दिखेगी इस ई की, तीन लाइनों में ये बंद है, तो कौन सी लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है। अब ये लाइन फ्रंट व्यू में कहाँ है, देखिए ये लाइन इस एल आकार के पास में, बिल्कुल ये रहा एल आकार अपना, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ये अपने लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, रुकिए एक मिनट। ये जो लाइन है इसको लिखते हैं अपने 11 नंबर से, और इसको अपने लिखते हैं एक नंबर से, ठीक है। तो यहाँ ये जो ई लाइन देख रहे हैं आप, ई की ई तो नहीं दिखेगा, लेकिन ई की ये लाइन दिखेगी, और ये लाइन किस अक्षर से डिनोट की गई है, ये वाली लाइन है, ये एक नंबर से लिखी गई है, तो इसलिए एक नंबर भर देंगे। अब बात करें जी, तो जी के लिए बताइए मेरे को, जी के लिए अपने पास कौन सी लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली है, ये लाइन है, ये लाइन कहाँ है, देखिए पट्टी के जस्ट पास वाली लाइन, यानी पट्टी वाली लाइन ही मान लीजिए, ये वाली लाइन है, ये कितने नंबर से लिखा हुआ है, 15 नंबर से, तो यहाँ भर देंगे 15 नंबर। अब हमें क्या करना है, अब हमें भरना है क्या, टॉप व्यू। चलिए टॉप व्यू में, टॉप व्यू में सी, अब ये टॉप व्यू है अपना यहाँ, पहले तो ये देखिए टॉप से क्या क्या दिखेगा। टॉप से देखने पर ये पट्टी दिखेगी एक, टॉप से देखने पर ये टेपर भाग दिखेगा एफ वाला, टॉप से देखने पर ये सी वाला जो भाग है ना ये दिखेगा। ये सब भाग हमें कहाँ से दिखने वाला है, टॉप व्यू से। ये लीजिए मैंने सभी को छायांकित कर दिया है। तो सबसे पहले टॉप से अगर अपने देख रहे हैं बी को, तो टॉप व्यू में ये जो भाग पट्टी है ये देखिए यहाँ है, किस अक्षर से लिखा हुआ है, 8 नंबर से। टॉप व्यू में बी को लिखा गया है किस नंबर से, 8 नंबर से, ठीक है जी। फिर टॉप व्यू में एफ, एफ कौन सा भाग है, पट्टी के जस्ट जो छोटा डिब्बा बना होगा ये रहा हमारा भाग, इसके पास ये 2 नंबर से, और इसके ऊपर जो खाली भाग पड़ा है ये वाला, ये वाला भाग ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब एफ को किससे लिखा हुआ है, 2 नंबर से लिखा हुआ है। तो ये एफ देखिए टॉप व्यू के अंदर, इसको क्या लिखेंगे अपने, नंबर 2। क्लियर है सभी को। फिर ऊपर सी, सी जो भाग है ये इधर का किनारे के पास वाला भाग, इसको किससे लिखा हुआ है, 12 नंबर से, तो ये लिख देंगे सी 12 नंबर से। इस प्रकार आपने इस टेबल को क्या करना है, फिलअप करना है। आगे का भी भाग आप इसी तरीके से भर सकते हैं, जैसे कि ए को भरना है अगर टॉप से, तो देखिए क्या टॉप से देखने पर ये दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, क्योंकि तो साइड वाली दीवार पर है, ये लाइन तो दिखेगी। टॉप व्यू में ये लाइन है यहाँ पर, ये देखिए फर्स्ट है ना, इधर लेफ्ट हैंड की तरफ से पहली लाइन है टॉप व्यू की, किससे लिखा हुआ है, 14 नंबर से, तो यहाँ लिखेंगे 14 नंबर। अब डी की बात करें, तो क्या डी हमें टॉप व्यू से देखने पर दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, क्योंकि तो सामने की दीवार पे आ गया। तो ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन पकड़ लो आप, ये लाइन, इनमें से कोई भी लाइन, ऊपर वाली लाइन ही ज़्यादा बेटर रहेगी। ऊपरी लाइन ये कहाँ हो जाएगी अपने पास, ये देखिए ये लाइन है, ये वाली, ये लाइन किससे लिखा हुआ है इसको, 16 नंबर से, तो ये यहाँ लिख देंगे। ई की बात करें, तो ई की अपने को ये लाइन दिखेगी, ये कहाँ है देखिए पतली पट्टी, ये वाली लाइन है, ये लाइन कितने नंबर से लिखी हुई है, 5 नंबर से, तो यहाँ भर देंगे अपने 5। अब जी की बात करें, जी में ये लाइन है, कितने नंबर से लिखेंगे, 21 नंबर से लिखें। इस प्रकार आप इसका साइड व्यू का पूरा भाग भी भर सकते हैं। साइड व्यू से जब देखेंगे तो ए है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर ए की जगह क्या लिखा हुआ है बताइए, इस त्रिभुजाकार आकृति को देखिए, यहाँ आइसोमेट्रिक में तो ए लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऑर्थोग्राफिक में वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है 13 नंबर, ये लिखा 13। फिर बात करेंगे सामने जी, जी वहाँ पर, जी की जगह वहाँ क्या चीज़ लिखी हुई है, 9 नंबर, तो जी के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे अपने, 9 नंबर। फिर जस्ट सामने साइड व्यू में क्या दिख रहा है, ई, तो ई के लिए अपने पास यहाँ त्रिभुजाकार आकृति में क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर, तो इस प्रकार ये 3, 1, 2 और ये 3, ये तीनों तो दिखेंगे, बाकी दिखेंगे नहीं। अब बी की बात करें, तो बी तो साइड व्यू में नहीं दिखने वाला है, क्योंकि बी तो या तो फ्रंट में दिखेगा या फिर किस में दिखेगा, टॉप में दिखेगा। साइड में अगर नहीं दिखेगा तो बी जिस चार लाइनों में या जिस आकृति में बंद है उनमें से कोई एक लाइन तो दिखेगी, बिल्कुल ये लाइन दिखेगी। ये लाइन कहाँ है देखिए साइड व्यू में, ये लाइन कहाँ है, ये लाइन अपने पास है कौन सी, ये वाली लाइन है। इस लाइन को किससे लिखा गया है, 19 नंबर से लिखा गया है, तो यहाँ लिखेंगे हम 19 नंबर। सी की बात करें, सी कहाँ है, ये रहा, इसकी ये लाइन ढूंढिए अब, या फिर ये वाली लाइन ढूंढिए, इनमें से कौन सी लाइन देख रहे हैं आप, सी, सी के लिए ये पूरा पोर्शन और ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लाइन कितना लिखा हुआ है, 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे सी के लिए, 6।
अब डी की बात करें तो डी की अपने को या तो ये लाइन दिखेगी और या ये लाइन दिखेगी। ये तो छोड़िए, आप इन दोनों लाइनों में से कोई लाइन देखिए डी साइड व्यू में, तो साइड व्यू के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये पूरी लाइन देख लीजिए कितना लिखा हुआ है, 17 नंबर लिखा हुआ है, ये लिखेंगे हम यहाँ पर 17। लास्ट बच गया कौन सा, एफ। एफ की कौन सी लाइन है, एफ खुद तो दिखेगा नहीं, इन चारों में से कोई एक लाइन दिख रही होगी आपको साइड से, यहां से अगर देखेंगे तो हमें ये लाइन दिखेगी। अब इस लाइन को पकड़ कीजिए, अपने को कहां दिखाई दे रही है, यहां पर ये पट्टी के टेपर वाले, ये वहां कितना नंबर लिखा हुआ है, 20 नंबर। इस प्रकार आप पूरी तालिका को कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड, शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको ये सब क्लासें पसंद आ रही हैं तो। धन्यवाद।